24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड से सिएटल जाने के लिए डीबी कूपर नाम का एक आदमी एक फ्लाइट पर चढ़ता है। जैसी फ्लाइट हवा में होती है वो अपने पास ही खड़ी एयर होस्टेस को एक लेटर पकड़ाता है जिसमें लिखा होता है कि मेरे पास बॉम्ब है और तुम तुरंत मेरे पास आके बैठो। जैसी एयर होस्टेस कूपर के पास आके बैठती है वो उसे बॉक्स खोल के बॉम्ब दिखाता है और कहता है कि मुझे $2,00,000 प्लस 4 पैराशूट चाहिए नहीं तो मैं सबको उड़ा दूंगा। शाम होते ही फ्लाइट जब सिएटल पे लैंड करती है तो डिमांड के मुताबिक $2,00,000 प्लस 4 पैराशूट को दे दिए जाते हैं। फिर वो उसी फ्लाइट पे बैठता है, फ्लाइट उड़ती है, उसके बाद वो पैराशूट पहनता है और फ्लाइट से कूद जाता है। उसके बाद से लेके आज तक किसी ने भी डीबी कूपर को दोबारा नहीं देखा। एफबीआई ने खूब सर्च करने की कोशिश की लेकिन वो डीबी कूपर को दोबारा ढूंढ ही नहीं पाई। फाइनली 2016 में एफबीआई ये फाइल हमेशा के लिए बंद कर देती है। गाइस, ये कोई फिल्मी घटना नहीं है, इसे आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। टाइड डिटर्जेंट पाउडर काफी सालों से अमेरिका में मार्केट लीडर रहा है, लेकिन जैसे ही सन 2000 में वो इंडिया में एंटर हुआ वो पूरी तरह से फेल हो गया क्योंकि वो इंडियन कस्टमर्स को समझ नहीं पाया। रिसर्च करने पर पता लगा कि अमेरिका में ज्यादातर लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिटर्जेंट पाउडर हाथ पे भी कोई फर्क डालता है क्या, लेकिन इंडिया में 80% से ज्यादा लोग हाथों से कपड़े धोते हैं इसीलिए उन्हें फर्क पड़ता है। तो फाइनली टाइड सन 2009 में टाइड नेचुरल के साथ इंडियन मार्केट में उतरा जो कि काफी ज्यादा किफायती था, बहुत अच्छा था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो हाथों के लिए सेफ भी था। फिर क्या था, दो ही सालों में टाइड ने इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर लिया और आज टाइड नासा के साथ मिलकर स्पेस में पहली एस्ट्रोनॉट्स के लिए लॉन्ड्री बनाने जा रहा है। गाइस, अगर आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने कस्टमर्स को समझना पड़ेगा। गाइस, क्या आपने इन प्रोडक्ट्स के बारे में सुना है? फेविकोल, फेविस्टिक, फेविक्विक, डॉक्टर फिक्सिट, एमसील, ऑब्वियसली जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि सारे के सारे प्रोडक्ट एक ही कंपनी ओन करती है जिसका नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, और पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के फाउंडर और ओनर है मधुकर पारिक जो कि पूरे इंडिया के 70वें सबसे अमीर आदमी है जिनकी नेटवर्थ 13,000 करोड़ से भी ज्यादा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद मधुकर पारेख जी पुश्तैनी रईस रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि एक समय ऐसा था जब मधुकर पारेख जी मुंबई में एक लकड़ी व्यापारी के यहां पर पियोन की तरह काम करते थे। गाइस, इसलिए कहते हैं कि बड़े सपने की शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इरादे मजबूत होने चाहिए। कोरोना की इस महामारी में अगर सबसे ज्यादा बुरे दिन किसी को देखने पड़े हैं तो वो है गरीब और मजदूर परिवार। कई जगह लॉकडाउन की वजह से इन परिवारों के पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। लेकिन राजस्थान के धौलपुर जिले में एक ट्रांसजेंडर ऐसे परिवारों के लिए फरिश्ता बनके सामने आई है। इस ट्रांसजेंडर ने राजस्थान के धौलपुर जिले में 30,000 से ज्यादा परिवारों को राशन के किट बांटे हैं ताकि उनका गुजारा चल सके। इन ट्रांसजेंडर का नाम है देविका और भारत सरकार की तरफ से उन्हें इस काम के लिए सम्मानित भी किया गया है। गाइज, आपका इस रिस्पेक्टेड कम्युनिटी के लिए क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइज, आपने सफेद लहसुन यानी कि व्हाइट गार्लिक तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ब्लैक गार्लिक देखा है? बहुत ही कम लोग ब्लैक गार्लिक और उसके गुणों के बारे में जानते हैं। गाइज, ब्लैक गार्लिक व्हाइट गार्लिक का एक रूप है जो कि फर्मेंटेशन से बनाया जाता है और ये एक सुपर फूड है जो कि बहुत सी बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है। ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, 14 तरह के कैंसर से लड़ने में हमारी मदद करता है, ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, हार्ट डिजीज से भी हमें बचाता है, और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाइट गार्लिक की तुलना में ब्लैक गार्लिक में दुगने एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक ब्लैक गार्लिक के बारे में इतना कुछ पता था? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, एक सवाल है मेरा, क्या जींस सिर्फ लड़के पहन सकते हैं? नहीं, लड़कियां भी पहन सकती हैं, उन्हें भी हक है, इनफैक्ट वो पहनती हैं। तो फिर स्कर्ट क्या सिर्फ लड़कियां पहन सकती हैं? अगर कोई लड़का स्कर्ट पहन के आ जाए तो हम उस पर हंसते क्यों हैं? ये हमें नागवार क्यों है? कुछ ऐसा हुआ स्पेन के एक स्कूल में जहां पर 15 साल का एक स्टूडेंट माइकल गोमेज स्कर्ट पहन के स्कूल पहुंच गया तो स्कूल की अथॉरिटी ने पता है क्या किया? उसे स्कूल से ही एक्सपेल कर दिया, बाहर निकाल दिया और उसे दिमाग के डॉक्टर को दिखाने की सलाह तक दे डाली। लेकिन उसके मैथ्स के टीचर को, जो कि खुद एक मेल था, उसे ये बात पसंद नहीं आई। अगले दिन वो मैथ्स का टीचर खुद स्कर्ट पहन के स्कूल आ गया और उस बच्चे को सपोर्ट करने लगा। देखते देखते बाकी मेल टीचर्स और बाकी स्टूडेंट्स ने भी उस बच्चे को सपोर्ट करने के लिए स्कर्ट पहनना शुरू कर दिया। गाइज, सोशल मीडिया पे उसे बहुत सपोर्ट मिला, लेकिन मेरा फिर से एक ही सवाल है, जिसको जैसा पसंद हो वो वैसे कपड़े पहन सके, ऐसी फ्रीडम हमें कब मिलेगी? स्पेन जैसे देश में ये हालात है तो बाकी कंजर्वेटिव कंट्रीज में क्या हालात होंगे? गाइज, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।